निकायों में कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाए हुए। हमारे साथ जसवंत गुर्जर जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। जसवंत जी, सबसे पहले तो धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बड़ा सवाल यही है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेंड देखा गया था पहले, पिछले बार अगर हम बात करें तो भाजपा को बढ़त मिली थी, 60 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, तो कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, 90 निकायों की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इस बार जो है, क्योंकि सत्ता में आप हैं, सत्ता में कांग्रेस पार्टी है, सीधा सीधा कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ कांग्रेस को दिख रहा है। हेलो जसवंत जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जसवंत जी, ज्यादातर निकायों की अगर बात करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर नजर आ रहा है भाजपा के मुकाबले, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो निश्चित है बेहतर होगा, और बेहतर इसलिए है कि कांग्रेस की नीतियां अच्छी रही है। कांग्रेस ने आम जन की भावनाओं को देखते हुए काम करे हैं, और 2 साल के अंदर कांग्रेस ने आम जन के लिए जो योजनाएं चलाई, जिन योजनाओं को धरातल पे लाई, ये उनका परिणाम है कि कांग्रेस के लिए लोगों का मन है और लोगों ने उसको मन को देखते हुए, काम को देखते हुए वोट दिया है। जी बिल्कुल। जसवंत जी, ये बताइए, किसान आंदोलन का आप क्या कोई असर मानते हैं निकाय चुनावों में, क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन का भी असर पड़ा है? देखिए, आज किसान पिछले 60 दिन से देश की सीमा, दिल्ली की सीमा के ऊपर बैठा हुआ है, और दिल्ली की सीमा ही नहीं, कई जगहों पे, कई राज्यों के अंदर किसान तहसीलों पे, इन पे धरना दे रहा है केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में। और निश्चित है कि जो ग्रामीण परिवेश होता है उनमें छोटे कस्बे होते हैं, वो नगरपालिकाएं होती है, उनके जनजीवन सारा उस पर नगरपालिका निर्भर है, तो निश्चित है एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं, तो इनका भी थोड़ा बहुत असर रहता है। जसवंत जी, लेकिन अजमेर नगर निगम की अगर बात करें, अजमेर नगर निगम की हम बात कर रहे हैं, बड़ा नगर निगम है, 80 वार्ड हैं उसमें, इतनी करारी हार का सामना आखिर क्यों करना पड़ा कांग्रेस को? बहुत बड़ा अंतर है आपके और भाजपा के बीच में, 47 वार्डों में भाजपा जीती है और महज 18 में कांग्रेस। देखिए, अजमेर का जो नगर निगम का चुनाव है, पहले भी भाजपा का वोट था, वहां बीजेपी के विधायक है, और ये बड़ा आत्मचिंतन का विषय है कि बीजेपी के जहां भी 90 नगर पालिकाओं में, निकायों में चुनाव हो रहे हैं, वहां 60 जगह बीजेपी के विधायक है, और उसके बावजूद कांग्रेस की सरकार के काम और गोविंद सिंह, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व, गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व के अंदर हमने एक अच्छी सफलता की ओर जा रहे हैं, और जहां कहीं हमारी कुछ कमियां रही हैं उनके ऊपर निश्चित आत्मचिंतन भी करेंगे, आगे सुधार भी करेंगे। हाँ, और राजसमंद में जो आपकी जीत हुई है, भाजपा का एक तरह से अगर था और आपने जो है वो किला भेद दिया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? किरण माहेश्वरी के निधन के बाद ऐसा लग रहा था कि भाजपा जीत हासिल कर लेगी, बड़े बड़े नेता वहां पर गए थे भाजपा के, सतीश पूनिया पहुंचे थे वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए, साथ ही चाय पिला रहे थे वहां कार्यकर्ताओं को, साथ ही दिया कुमारी वहां पर पहुंची थी, राजसमंद को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हेलो देखिए, राजसमंद के अंदर पूरी बीजेपी की जो है, हमने चुनाव लड़ा है वो स्थानीय स्तर पे स्थानीय नेताओं के साथ लड़ा है, जबकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता इन स्थानीय चुनाव के अंदर उतरे, और उतरने के बाद मुंह की उनको खानी पड़ती है। बीजेपी के सांसद की पत्नी चुनाव हार जाती है, ये नगर निकाय चुनाव के अंदर, इससे पूर्व में पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान केंद्रीय मंत्री श्री मेघवाल जी की पत्नी और बेटा चुनाव हारते हैं, और आज हम देखते हैं कि सलमपुर के अंदर उदयपुर के सांसद जो है उनकी पत्नी चुनाव हारती है, उसी प्रकार आज राजसमंद के चुनाव के नतीजे हो और चाहे और कहीं के नतीजे हो, बीजेपी को मुंह के बड़े नेताओं को मुंह की खानी पड़ रही है, बहुत सी जगहों के अंदर बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार भी नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल। और जसवंत जी, मेरा आखिरी सवाल, निर्दलियों की भूमिका के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कई ऐसे निकाय हैं जहां पर निर्दलीय बड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं वोट बनाने में, निर्दलियों की भी बड़ी संख्या जीत कर आए हैं, 438 जो हमारे पास आंकड़ा आ रहा है निर्दलीय जीत कर आए हैं। ये बिल्कुल सही बात है, स्थानीय स्तर के जो चुनाव होते हैं उसके अंदर निर्दलीय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और बहुत सी जगह पार्टी की रणनीति भी ऐसी रही है कि हमने चुनाव नहीं लड़ा और हमारे समर्थित उम्मीदवार खड़े कर रहे, उसमें बहुत सी संख्या के अंदर हमारे उम्मीदवार जीत के आए हुए जिनके पास सिंबल नहीं था, और कुछ जगह के ऊपर ऐसा भी रहा है कि पार्टी का ही उम्मीदवार जिसको हम टिकट नहीं दे पाए परंतु उसने स्थानीय लोगों ने उसे चुनाव लड़ा है और वो जीता, वो पार्टी के साथ है। जब
वोट बनाने की बात आएंगी तो सारे लोग पार्टी के साथ खड़े नजर आएंगे, क्योंकि जो वो वोट मांग रहा है तो वोट अपनी विचारधारा के नाम पे वोट मांग रहा है। जी धन्यवाद आपका जसवंत गुर्जर जी।